सो हेलो गाइस, सो वेलकम करते हैं आपका आज की एक और नई वीडियो में। और गाइस आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत ही सारी कमाल की एनीमे अपडेट्स है। और गाइस आज की एनीमे अपडेट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वेरी डेंजरस। जी हाँ गाइस, आज आपका कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है क्योंकि आज की एनिमे अपडेट कुछ इसी तरह की है। जैसा कि गाइस आज हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन हिंदी डब के साथ हमें कौन से चैनल पे देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही में गाइस आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स के बारे में और बात करेंगे क्रंची रोल के न्यू हिंदी डब एनिमे के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप भी इन अपडेट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और यार सभी भाई लोग यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो भाई लोग यार सपोर्ट जरूर से करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस आर्कनाइट पेरेंट्स ऑफ फ्रंट एनिमे अक्टूबर 6 के लिए शेड्यूल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं जूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड एनिमे के बारे में। तो गाइस इस एनिमे का एपिसोड 9 फिर से डिले हो चुका है गाइस, जो की काफी बुरी बात है। मतलब गाइस यार बहुत कमाल की एनिमे है ये। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। तो गाइस नेटफ्लिक्स पे भी एक बहुत ही जल्दी हिंदी डब एनिमे आने वाला है, जैसा कि आप इस पीछे स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो, वॉइस आर्टिस्ट ने खुद बताया है। और गाइस ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा एनिमे होने वाला है, तो आप कमेंट करके बताओ ये कौन सा एनिमे हो सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में और गाइस ये अपडेट है यूट्यूब से रिलेटेड। तो गाइस यूट्यूब पे भी बहुत ही जल्दी एक ब्रांड न्यू एनिमे हिंदी डब के साथ आने वाली है और जिसका नाम है यू-गी-ओ जेक्सल। और गाइस एक बहुत ही कमाल के एनिमे है, तो ये भी हमें बहुत ही जल्दी हिंदी डब के साथ यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। और इस अपडेट के लिए वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के बारे में। तो गाइस फाइनली जुजुत्सु काइसन सीजन 2 हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रही है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मतलब गाइस एक ट्रेंडिंग एनिमे वो भी हिंदी डब के साथ हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। और गाइस इसका अभी तक एपिसोड 1 ही आउट हुआ है और गाइस मैंने सच में देखा है और भाई डबिंग तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई, जरूर से आप भी चेकआउट जरूर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बात करते हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तो गाइस टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है और गाइस ये एनिमे भी हमें बहुत ही जल्द हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब गाइस एनिमे फैंस के तो बिल्कुल मजे आ गए भाई, एक से एक पॉपुलर एनिमे हिंदी डब होते जा रहा है और हमें बेस्ट कंटेंट देखने के लिए मिलता जा रहा है। तो यार इसके लिए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस बहुत ही ज्यादा र्यूमर्स फैंस में ये फैल रहे हैं कि वन पंच मैन का एनिमे हमें बहुत ही जल्दी टीवी पे देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन गाइस ये अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। गाइस कह सकते हैं एक फैन र्यूमर से, तो इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। पर गाइस इसके 70% चांस बनते हैं टीवी पे आने के लिए, क्योंकि हमें किड जोन पाकिस्तान चैनल पे भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हमें वन पंच मैन उर्दू और हिंदी डबिंग के साथ दिखाया जा रहा है और जिसकी डबिंग काफी ज्यादा ओपी है। और गाइस वन पंच मैन में बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड सीन्स है जिसको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है और गाइस हो सकता है ये हमें इंडियन टीवी चैनल्स पर भी देखने के लिए मिल जाए। हमें कौन से चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, शायद जी कैफे हो सकता है, लेकिन गाइस अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो वन पंच मैन हिंदी डबिंग के साथ टीवी चैनल्स पे देखने के लिए मिले, तो गाइस कमेंट जरूर से करना। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और फिर से बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। तो गाइस नेटफ्लिक्स पे ओनिमुशा नाम का एनिमे नवंबर 2 से स्ट्रीम होगा, जो कि नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल सीरीज है, तो आप इसको भी देखकर मजे ले सकते हो। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में और गाइस ये अपडेट निकल के आ रही है जी कैफे की तरफ से। तो गाइस जी कैफे ने एक एनिमे फैन फेस्ट रखा है अपने टीवी
टीवी चैनल पर, जहां पर आपको उनको मिस कॉल लेकर पुराने एनिमे शोज उस पे वापस ला सकते हो। और ये गाइस कुछ ज्यादा खास नहीं है, मगर बहुत ही सारे बंदे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी कैफे पे हमें कोई न्यू एनिमे क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा। लेकिन गाइस जी कैफे की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, बट गाइस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत इंतजार कर लो ताकि हमें कोई न्यू एनिमे देखने के लिए मिल जाए। और यार इस अपडेट के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यार आप कमेंट करके जरूर से बताना वो कौन सा एनिमे हो तो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं माय हीरो एकेडमिया के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा माय हीरो एकेडमिया कार्टून नेटवर्क पे हिंदी डब के साथ टेलीकास्ट हो रहा है गाइस, जिसकी हिंदी डब काफी ओपी है गाइस। मैंने खुद ही देखा है और भाई मजा आ गया था उसकी हिंदी डब देख। और माय हीरो एकेडमिया को कार्टून नेटवर्क पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था। और गाइस साथ ही में इसका सीजन 1 भी 15 एपिसोड पर वहीं पर एंड कर दिया गया और था। और गाइस इसका सीजन 2 भी एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल के दिन ही हमें इसका सीजन 2 भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, कार्टून नेटवर्क ने खुद ही कंफर्म करा है कि माय हीरो एकेडमी की मूवी भी हिंदी डब के साथ जल्द ही कार्टून नेटवर्क पे आने वाली है। गाइस ये मूवी शायद से हमें दूसरे मंथ या फिर अगले महीने ही देखने के लिए मिल जाए। तो यार इस अपडेट के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से बनता है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस शिनचैन की एक 3D CGI मूवी भारतीय सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी और गाइस ये शिनचैन की फ्रेंचाइज की सबसे हाईएस्ट अर्निंग मूवी थी। बट गाइस ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई गाइस, जो कि काफी गलत बात है। लेकिन चलिए गाइस कोई नहीं, आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो गाइस डीमन स्लेयर कोलैब कर रहा है हमारे फ्री फायर इंडिया के साथ। जी हाँ गाइस, कल फ्री फायर इंडिया ने पोस्ट करके बताया फैंस को एक हिंट देने के लिए और गाइस हमने जान लिया कि ये डीमन स्लेयर ही है। और गाइस फ्री फायर में इसके बंडल इमोट्स गाइस सब चीज आने वाले हैं। तो गाइस आप जरूर से कमेंट करके बताना कि आप फ्री फायर खेलते हो या फिर नहीं। तो चलिए गाइस फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो बात कर लेते हैं क्रंची रोल के बारे में। तो गाइस क्रंची रोल ने अपने अपकमिंग एनिमे हिंदी डब एनिमे और सब एनिमे का शेड्यूल निकाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें गाइस 30+ एनिमे है गाइस, जो कि हमें हिंदी डब या फिर सब देखने के लिए मिलेंगे, वो भी सिर्फ क्रंची रोल पर। और गाइस इसमें से कुछ एनिमे हिंदी डब होंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे एंशिएंट ब्राइड करके कुछ एनिमे है, ये हिंदी डब होने वाला है। और गाइस और भी एनिमे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सभी हिंदी डब होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की मांगा के बारे में। जी हाँ गाइस, जितने भी जुजुत्सु काइसन फैंस हैं हमें पता है वो अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं भी एक जुजुत्सु काइसन फैन हूँ, तो भाई मैं भी आपकी बात समझ सकता हूँ। तो गाइस बात ये है कि भाई जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 236 में गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हो रही थी, जो कि काफी पहले से चलती आ रही थी। लेकिन गाइस फाइनली सुकुना ने गोजो को हरा दिया है, यानी गोजो को मार दिया है। लेकिन चलिए गाइस कोई बात नहीं, देखते हैं क्या फिर गोजो आगे आ पाता है वापस या फिर नहीं। और गाइस कमेंट में रिप सातोरु गोजो आप जरूर से लिख लेना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं नारुतो शिपुडेन हिंदी डब के साथ हमें कौन से चैनल पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस इसको लेकर हमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिल चुकी है। जी गाइस हमने वॉइस आर्टिस्ट से पूछा था और गाइस उन्होंने साफ आंसर कर दिया कि ये हमें सोनी पर ही मिलेगा। और हाँ गाइस यार कमेंट में ये जरूर से बताइएगा कि आपका फेवरेट एनिमे या एनिमे करेक्टर कौन सा है। तो गाइस देखते हैं किसका सबसे फेवरेट एनिमे या करेक्टर तो है। गाइस होप करता हूँ इसके बारे में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यार आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ऐसे ही सबसे पहले एनिमे अपडेट एंड न्यूज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।